दाखिल हुआ अपनी गाड़ी पे अपनी अहलिया और दो बच्चों के साथ, तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तहम वो नहीं रुका, जिसके बाद उस शख्स ने अपनी क्लेशन को निकाल ली पुलिस की तरफ और उसके बाद उसको मुसलसल हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद यहाँ पर मीडिया भी पहुँच गया और बाकी जो पुलिस के आला हुकाम थे और जो पुलिस एहलकार भी वो भी मौके पर पहुँच गए, लेकिन उस शख्स को किसी ने टारगेट नहीं किया क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस शख्स के साथ दो मासूम बच्चे थे और एक खातून थी और इस दौरान पुलिस ने उसको घेरे में ले लिया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आ गया यहाँ पे और यहाँ पर पुलिस अफसरान आ गए, पुलिस के अहलकार आ गए और उन्होंने उसको घेरे में ले लिया, लेकिन उसको मारने की कोशिश नहीं मिली। पुलिस के जो एसएसपी है डॉक्टर रिजवान, वो यहाँ पर खुद आके उस मुसल्ला शख्स से मुलाकात करते हैं, उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं कि वो ध्यान डाल कर, लेकिन उस शख्स का यह कहना था कि वो मुलाकात करेगा तो वो असलह के साथ ही करेगा, उसके बयान पर उसकी जो बीवी है वो